अब सिवान की राजनीति जिस तरह से शीशे की तरह साफ दिखने लगी है, इसे लगने लगा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग राजद नहीं बल्कि साहेबवादी हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। समाजवादी नेता बिहार विधानसभा के नव निर्वाचित सभापति माननीय और बिहारी चौधरी जी के निर्वाचन के बाद प्रथम बार अपने गृह जिला आज सिवान में आगमन हुआ। वहीं सिवान जिले में एंट्री करने के साथ ही राजद नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। बता दूं, सिवान जाने क्रम में बसंतपुर गांधी आश्रम पर राजद नेत्री रेणु यादव द्वारा फूलमाला व बैंड बाजा के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी और बिहारी चौधरी जी के द्वारा किया गया। आज सिवान के लोगों में, खासकर के महागठबंधन के नेताओं में अलग तरह की खुशी दिखी गई। लेकिन आज फिर से चेहरे का जो इंतजार था और बिहारी चौधरी जी को जो गार्जियन कहने वाली हिना साहब इस भीड़ में दिखाई नहीं दी। अगर बात करूं तो काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के नेता या कार्यकर्ता और बिहारी चौधरी जी के स्वागत में नहीं दिखे। अब सिवान की राजनीति जिस तरह से शीशे की तरह साफ दिखने लगी है, इसे लगने लगा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग राजद नहीं बल्कि साहेबवादी हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर सिवान जिले के पहली बार कोई नेता विधानसभा में इतने बड़े पद पर पहुंचा है, फिर स्वागत में हिना साहब क्यों नहीं पहुंची? ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ भूलकर हिना साहब आज सिवान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगी और अद्वियारी चौधरी जी के स्वागत भी करेंगी, लेकिन न पहुंचना बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर संकेत देने लगा है। वहीं जो साहेबवादी समर्थक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हिना साहब का निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं जो कई वर्षों से राजद से जुड़े हैं। जब से गठबंधन का सरकार बना है बिहार में, तब से मीडिया में कुछ कहने से भी परहेज कर रहे हैं। बन रही है हमारे साथ, देखिए राजनीति के पर्दे कब तक खोलती है हिना साहब। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या आप बार बार फोन खराब होने से परेशान हैं? क्या आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं? तो अपने भरड़िया में बिहार टेलीकॉम लेके आए हैं आपके लिए कम बजट में बढ़िया फोन। हम सभी ब्रांडेड फोन में डील करते हैं और हमारे यहाँ सैमसंग, फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही कॉन्टेक्ट करें बिहार टेलीकॉम भरड़िया सिवान 9631692917 9006904950। क्या आपको बजट कम होने की वजह से बढ़िया फोन लेने में हो रही है दिक्कत? तो अपने भरड़िया में बिहार टेलीकॉम दे रहे हैं फाइनेंस सुविधा। जी हाँ, बिहार टेलीकॉम से आप सैमसंग फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की सुविधा के साथ ले सकते हैं आप ब्रांडेड फोन, वो भी आसान किस्तों में। हम सभी तरह के मोबाइल फोन में डील करते हैं। अपना पसंदीदा मोबाइल फोन लेने के लिए आज ही संपर्क करें बिहार टेलीकॉम भरड़िया सिवान 9631692917 9006904950।